एक ऐसा प्लांट जो कि कट होने के बाद 15-20 दिन तक टिका रहता है। तो मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जरबेरा डेजी की। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन की तरफ। इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं सीड से, और इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके फूल कितने दिनों तक टिके रहते हैं, और इसकी कुछ समर केयर टिप्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने गार्डनिंग लवर चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और खूब अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो आज बात करते हैं जरबेरा डेजी प्लांट पर। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। इसको गर्मियाँ सर्दियाँ ये सर्वाइव करता है, मगर बेसिकली ये जो प्लांट है ये विंटर लवर प्लांट है। मगर इसको भी एल्कानिक टाइप की मिट्टी ही पसंद होती है, ज़्यादा सोगी मिट्टी इसको पसंद नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है और इसकी कंडीशन भी बिल्कुल लश है। इसके पत्ते बड़े अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल ड्राई मिट्टी में है। हम लोग जितना ही इसको पानी देंगे ये उतना ही ख़राब होता चला जाएगा। और बस वैसे ये देखने में जब इसके फूल आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक ये मेरा वाइट फूलों वाला है और ये जो है ये मेरे दो फूलों वाला इसमें पौधे लगे हुए हैं। एक में लाइट पिंक लगा हुआ और ये डार्क पिंक का। तो आज इसकी थोड़ी केयर की बात करते हैं कि केयर आपने इसकी क्या करनी है। सबसे पहले तो इसको वेल्ड्रेन सॉइल आपने प्रोवाइड करनी है कि वेल्ड्रेन सॉइल होनी चाहिए इसकी, और एल्कानिक सॉइल इसको पसंद है। एल्कानिक सॉइल आपको इसको पसंद है। तो पौधों की मिट्टी का सॉइल पीएच आपको मालूम करने के लिए डिवाइस मिलती है बाज़ार से, मार्केट से। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो लें, उसको मीटर को यहाँ पर फिक्स कर दें और आपको पता चल जाएगा कि आपका पीएच लेवल मिट्टी का सॉइल का क्या है। तो जी इसको पसंद है एल्कानिक सॉइल। एल्कैनिक सॉइल बनाने के लिए आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो आप गुलाब के फूलों के साथ करते हैं। सिरके का 1-2 चम्मच लें और 1-1.5 हफ्ते बाद इसको आप इसमें डाल दिया करें। दूसरा तरीका ऑर्गेनिकली है, पत्ती हो आपके पास, पत्ती जो आप चाय में डालते हैं वो लें, उसको ड्राई करें अच्छे से। ड्राई करने के बाद उसको तो आप उसको फिर रख दें, ड्राई होने के लिए रख दें, खुशक होने के लिए रख दें। जैसे ही वो खुशक हो जाए तो आप उसको मतलब आप उसको फिर इसमें डाल दिया करें। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, दूध होता है उसमें पत्ती में, उसको अच्छी तरह पानी से पहले धो लें, चाय पानी में ही उसको धो लें ताकि उसका सारा दूध वगैरह निकल जाए। उसको धोकर अच्छी तरह तो फिर आप उसको इसमें यूज़ करें, इसमें स्प्रिंकल कर दिया करें। वो भी एल्कानिक बनाती है और सिरका तो डायरेक्टली वो लिक्विड शेप में आ जाता है। तो आज एक ही वीडियो में मैं आपको इसकी थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दी है। पानी इसके ऊपर आपने स्प्रे नहीं करना है इसके पत्तों पर, इस पर पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं ये पत्तों के पीछे इसके बहुत ज़्यादा पेस्ट आ जाते हैं, और इसका मैं वही इलाज करती हूँ। पानी की बॉटल में सिरका 2 चम्मच डालकर और साबुन का लिक्विड के 2-4 ड्रॉप्स डालकर इसमें पेस्टिसाइड बनाती हूँ, और सिरके का 1 चम्मच डालती हूँ इसमें। इसको मैं स्प्रे करती रहती हूँ हर हफ्ते में 1 दफ़ा ताकि ये बचे रहें। और जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फ्लावरिंग में जो है इसकी ज़रा रफ्तार, तो ये फ्लावरिंग में तो और बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है इसके ऊपर। तो खैर ये बेबी प्रोड्यूस भी करता है अपने यहाँ से, इसकी जड़ों से इसको अलग भी किया जाता है और इसको इसके सीड्स के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। ये हैं इसके सीड्स। जब इसके फूल आ जाएं, आकर ड्राई हो जाएं बिल्कुल, तो वो एक जैसे रूई के टाइप फूल बन जाता है, एक खिल जाता है। जब वो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं तो उसके अंदर एक वो फूल सा बन जाता है, वो खिल जाता है। उसको आप तोड़े नहीं, इसके पत्ते मुरझा जाएँ, जब वो झड़ जाए तो उसमें खुद ब खुद ही इस तरह का उसके अंदर एक फूल बन जाएगा।
इस तरह का फूल बन जाएंगे काफ़ी सारे उसके अंदर, तो वो आप उनको बड़ी आसानी से जैसे कि वो होते हैं बालों बल वाले जो फूल होते हैं, जो वो फूल जाते हैं उस टाइप के इसके फूल, मतलब कि अब वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने तो इसके अंदर ही आपने उसे लगा रहने देना है, सॉइल में ही लगा रहने देना है। जब इसका फूल मुरझा जाए आपने उसे नहीं उतारना, उसके पत्ते गिर जाएंगे और एंड पे वो ब्लूम करेगा, एक और फूल वो फूल जाएगा, मतलब के खिल जाएगा इस टाइप के। ये बालों बालों वाले इसके जो बीज हैं ना वो सीड्स खिल जाएंगे ऊपर उसके। तो आपने उसको तोड़ लेना है, हल्के से उसको तोड़ लें, तोड़ के आप उसको ऐसे सेव कर लें। आप इसको चाहे 2 महीने सेफ रखें चाहे 3 महीने सेफ रखें, कोई इश्यू नहीं है। मैंने इस तरह जिप बैग में इनको सेव कर लिया था। समटाइम बहुत से लोग कहते हैं जी ये ग्रो नहीं होंगे अगर आप इसको 2-3 माह रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2-3 माह रखने के बाद भी इसको ग्रो किया तो ये ग्रो किए हैं। तो मैं आपको इसके सीड्स दिखाती हूँ और आपको लगाना भी बताती हूँ कि सीड्स लगाना कैसे। वेल ड्रेन सॉइल मैंने ले ली है और जैसे कि मैंने आपको उसकी करके बताई थी सीडलिंग टमाटरों की, वैसी ही मैंने ये ट्रे ली है और इसमें मिट्टी मैंने भर ली है। इसके नीचे मैंने सुराख किए हुए हैं, तो ये मिट्टी आप ले लें। सीड्स जो इसका सही सीड बना हुआ होगा वो इस टाइप का होगा, देखिए इस टाइप का, ये बिल्कुल सही सीड होता है जो नीचे से ज़रा थोड़ा फूला हुआ हो, जैसे चावल का दाना होता है मोटा फूला हुआ, उस टाइप का ये सीड होता है। ये सीड जो है ये बिल्कुल इसका सही सीड है, ठीक है। ये चावलों की तरह इतना फूला था, ये ऊपर इसके बाल बाल से होते हैं, फूल ही बना हुआ नज़र आ रहा था। इसको आपने सिंपल ऐसे रख देना है या इसको आप मिट्टी में ऐसे पुश कर दें अंदर की तरफ, ये चला गया आसानी से। जो इस टाइप के इसके सीड्स हैं ये ग्रो नहीं करेंगे, ये बेकार हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं है ग्रो करने का। जो कि इस टाइप के सीड्स होते हैं ना, देखिए जिनके नीचे वो चावलों टाइप का वो नहीं बना होता, फूले नहीं होते, ये डंडी उनकी, ये ख़राब हैं सीड्स, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे पास हैं 2-4, मैं इनको सॉइल में लगा देती हूँ। ठीक है, तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं इसके रिजल्ट पर। तो इसकी बात कर लें, इसको इसके अगर आप चाहते हैं कि पत्ते वगैरह लश ग्रीन रहें, ये सही रहे, तो इसको शेडी एरिया आपने प्रोवाइड करना है गर्मियों में, ठीक है। गर्मियों में आप इसको रखेंगे शेडी एरिया में। शेडी एरिया से मुराद है कि जहां धूप नहीं आती हो मगर ब्राइट लाइट हो, धूप ना हो वहां पे, तेज़ धूप तो बिल्कुल भी ना हो, आपने इसको वहाँ पर प्लेस करना है। वहाँ पर प्लेस आप इसको करेंगे और उसके बाद आप केयर इसकी समर में आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, ये फ्लावरिंग कम करता है मगर ये आपके साथ बना रहता है। दूसरा इसका, इसको आपने यहाँ तक दबाना है अंदर मिट्टी के, इसका ये जो क्राउन है ये बाहर रहना चाहिए, ये क्राउन इसका मिट्टी के नीचे टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा सबके क्राउन्स बाहर हैं, तो जो पीले पत्ते हो जाएँ इसके वो आप इसके रिमूव कर दें यहाँ से। जैसे कि ये पीला हो रहा है गर्मी की वजह से, इसको तोड़ दें, रिमूव कर दें इसको ऐसे। तो बाकी सारे इसके पत्ते आपने रिमूव नहीं करने वरना आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसके जो इसका पत्ता रिमूव येलो हो जाए वो ही आपने रिमूव करना है, और उसके अलावा आपने जब इसका फूल मुरझा जाए अगर आपने उसके सीड कलेक्ट नहीं करने तो उसको यहाँ से काट दिया करें। मैं आपको इसके एंड पर भी मिड में या स्टार्ट में इसकी तस्वीरें शो करूंगी कि ये मेरे कौन से फ्लावर आते हैं इस पर। तो फिर इंशाल्लाह सीडलिंग के मैं रिज़ल्ट पर आपसे मिलती हूँ। आज है तारीख़
ठीक है। तो मिलते हैं इसकी सीडलिंग की, इसकी सीडलिंग पर। तो आज है 11 मई, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी सीडलिंग पर आपसे अगेन मिलूँगी जब इसकी सीडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, जरबेरा डेजी ने अपनी सीडलिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है। तो जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो मिलते हैं फिर आप, मैं आपको इनकी रिपोर्टिंग शिफ्टिंग में आपको दिखाऊंगी जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये इसका रिज़ल्ट है, ये मैंने आपको शो कर दिया। ये एक आई थिंक टमाटर का बीज इसमें कहीं से गिर गया, ये वो भी पौधा इसमें गिर रहा है। इसमें मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरी के बीज भी स्प्रिंकल किए थे मगर वो नहीं स्प्राउट किए, मगर ये जरबेरा डेजी के पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो गए, उन्होंने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दिया सीडलिंग ने। तो मिलते हैं फिर इसके, और बड़े हो जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट पर मिलते हैं इंशाल्लाह। बने रहिए, सारी वीडियो आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। तो ये देखिए, आज है 2 जून, ठीक है। तो मैंने इस दौरान इसको, इनके थोड़े थोड़े पौधे बड़े हो गए थे, दरमियान शिफ्ट करने की वीडियो मैं भूल गई बनानी। तो ये देखिए, मैंने इनको उसमें से निकाल लिया था, निकाल के मैंने ये 2-3 पौधे इसमें कप में शिफ्ट कर दिए, और ये 1, 2, 3, 4, 5 पौधे मैंने इसमें गमले में शिफ्ट कर दिए। बाकी मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, उनको मैंने ऐसे ही रहने दिया, उसी ट्रे में ही लगे हुए। तो ये इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इजी टू ग्रो है, 15-20 दिन में ये अपनी जर्मिनेशन इतनी कर लेते हैं कि ये आप इनको शिफ्ट कर सकें। तो मगर ये फ्लावरिंग इतनी जल्दी नहीं है स्टार्ट करेंगे, इनको कोई 1.5 साल, जिसको आप अपने सीड से स्टार्ट करते हैं वो 1.5 साल लगा देते हैं अपनी फूल फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में। तो बेहतर तरीका इसका यही होता है कि हम इसको यहाँ से, जो ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, हम उनको सेपरेट करें और उन्हीं को डिवाइड कर लिया करें, वो सबसे इजी मेथड है। मगर ये सीडलिंग जो होती है, ये आपको मोटिवेशन के लिए है कि आप अगर किसी चीज़ की सीडलिंग कर रहे हैं तो वो ग्रो हो रही है या क्या, और ये आपके सामने है तो ज़रूर सीड इसके कलेक्ट करें और उसको आप ग्रो करें इंशाल्लाह। तो आप काफ़ी मोटिवेट भी होंगे और आपका जो स्किल है वो भी बढ़ेगा, आप खुशी आपको एक अलग से महसूस होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।